क्या कभी आपने फ्रेंड्स ऐसा देखा है कि एक घर में रह करके एक विंडो से बारिश दिख रही है और दूसरे विंडो से बारिश नहीं दिख रही है? मतलब देखिए, मैं आपको बारिश दिखा रही हूँ, कितनी तेज बारिश आ रही है। बादल एकदम काले हैं, बादल गड़गड़ा रहे हैं बहुत तेज से, ये देखिए। और मैं अब आपको दूसरे विंडो की खिड़की दिखाती हूँ, ये है मेरे किचन की विंडो, और मैं अब आपको दिखाती हूँ अपने दूसरे हॉल वाले रूम की विंडो से कि वहाँ का कैसा सीन हो रहा है। यहाँ पे कुछ बादल साफ हैं और हल्की सी धूप भी आपको दिखाई दे सकती है, शायद वो कैमरा मेरा कैप्चर नहीं कर रहा है, बट अभी इधर ऐसा है और उधर तो एकदम बारिश समझो आई गई है, ये हाल है। मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसलिए आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। आप लोग को कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है शाम के 5 बजे से और आप देख सकते हैं बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं चाय पी रही थी तो मैंने देखा एकदम से बारिश का मौसम हो रहा है, तो मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया। और ये देखिए कितनी तेज़ आंधी आ रही है, तूफ़ान आ रहा है और इस तरह से मौसम था, तो मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। देखिए बहुत तेज़ बारिश है और डर भी लग रहा है कि इतना ख़राब मौसम है। पिछले 15-20 मिनट से बराबर बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बिजली भी चमक रही है, इसलिए मैं फ़ोन बार बार बंद करके रख देती हूँ। बाय बाय, बाद में मिलती हूँ। क्या खा रही है, क्या खा रही है बीहू, क्या खा रही हो, दिखा तो दो। पीयू दिखा भी नहीं रही है और पीयू बारिश का मजा लेते हुए खा रही है। अच्छा आप ही बता दो क्या खा रही हो। ओके, और पीयू बारिश का मजा ले रही है यहाँ पे खड़े होकर के विंडो खोल के। जब जब थोड़ी सी बारिश, मतलब जो बादल जो गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, तो थोड़ी सी जब कम बिजली चमकती है तो मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा वीडियो शूट कर ले रही हूँ, बट मुझे वाकई बहुत डर लग रहा है क्योंकि फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए बिजली चमकते टाइम। तो चलिए जब बारिश बंद हो जाती है उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैं अभी किचन में आ गई हूँ और मैं यहाँ पे बना रही हूँ घी। तो थोड़ा सा मलाई रखा था मैंने, उसे मत करके मक्खन निकाल करके कढ़ाई में डाला है घी निकालने के लिए। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, और जैसा कि आपने देखा था शाम को बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो बहुत तेज़ बिजली चमक रही थी, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, बस मुझे ऐसे ही डर लग रहा था, तो मैंने नहीं ब्लॉक किया। और अभी बारिश बंद हो गई है बट ठंडा मौसम एकदम ठंडा हो गया है और अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है। और मैंने यहाँ पर घी चढ़ा दिया, मक्खन चढ़ा दिया है घी बनाने के लिए। और मैं इधर बना रही हूँ डिनर, डिनर में आज बना रही हूँ दाल रोटी और सब्जी। तो बस अभी इतना ही है। और अभी मैं नीचे गई थी थोड़ा सा सामान लेने के लिए, तो वो सब मैं लेकर के आई हूँ। कल मेरा फास्ट है तो हो सकता है ये व्लॉग मैं कल भी कैरी फॉरवर्ड करूँ, तो यही है। और अभी मेरा पिम्पल काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, ये देखिए काफ़ी आराम है मुझे पिम्पल में। और चलिए फिर जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। और अभी पीहू के डैडी आए नहीं हैं तो मैं और पीहू ही हैं, तो जल्दी से मैं अपना डिनर प्रिपेयर करती हूँ, फिर उसके बाद आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही थी आलू गोभी की सब्जी, तो मैंने देखा कि फ्रिज में टमाटर ही नहीं है, मतलब टमाटर ख़त्म हो चुका है, और मैंने ध्यान नहीं दिया कि टमाटर नहीं है, वरना मैं लेकर के आती। तो आज मैं सिर्फ प्याज से छौंकने वाली हूँ आलू गोभी की सब्जी, टमाटर नहीं डालने वाली हूँ। तो देखते हैं कि आज सब्जी कैसी बनती है और हस्बैंड जी का क्या रिएक्शन रहता है, क्योंकि उनको सब्जी टमाटर वाली अच्छी लगती है। तो देखते हैं कि अभी उनका क्या रिएक्शन होने वाला होता है, मतलब क्या रिएक्शन होने वाला है जब वो आएंगे और उनको डिनर मिलेगा। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी बनाते हैं खाना। Thank you.
सब्जी छौंक दी है और मैं यहाँ पीहू को लिखना सिखा रही हूँ कि ए कैसे लिखते हैं। उसे ओरल तो आता है बट उसे अब लिखना मैं अब सिखाना स्टार्ट कर रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं पहले पीहू को डिनर करा दूँगी, फिर जब उसके डैडी आएंगे तो मैं और उनके डैडी दोनों लोग खाएंगे। तो मैं यहाँ पीहू को खिला रही हूँ और साथ में कुछ कुछ स्टोरी भी सुना रही हूँ। बच्चों को खिलाना इतना आसान काम नहीं है, तो मैं उसको कुछ बोल बोल के समझा रही हूँ, ऐसा है ऐसा है, आपका वीडियो बन रहा है, आपको सब लोग अच्छा बच्चा कहेंगे, आप जल्दी से अपना डिनर फिनिश कर लो, इस तरह से मैं उसको समझा रही हूँ। तब वो बोल रही है हाँ हाँ मम्मा मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं जल्दी से अपना डिनर फिनिश कर लूँगी। फ्रेंड्स अभी मैंने पीहू को डिनर करवा दिया है और टाइम हो गया है 8:15 और मैं बैठी हुई हूँ, पीहू के डैडी का वेट कर रही हूँ। अभी वो आए नहीं है, बारिश अभी भी हो रही है, धीमे धीमे हो रही है बट हो रही है। और एक दो कमेंट्स हैं, मैं उसको भी आपके साथ अभी रीड कर लेती हूँ। अभी बैठी हूँ मैं, फ्री हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि एक ही कॉमेंट है जो आज मैं रीड करूँगी। तो आज का जो फर्स्ट कमेंट है, मतलब एक कमेंट ही मैं पढ़ रही हूँ, रेनू चौधरी जी का। उन्होंने मेरे को कई बार बोला है कि मेरा नाम लेना, मेरा नाम लेना। तो रेनू चौधरी जी, मैंने आपका नाम ले लिया है। एक्चुअली क्या होता है, नाम इधर उधर हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट मैं लेके तो रखती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है क्लिप्स डिलीट करने के चक्कर में वो भी डिलीट हो जाता है, इसलिए लेट हो गया आपका नाम लेने में। तो रेनू चौधरी जी, मैंने अब आपका नाम ले लिया है। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो, मेरे वीडियो को प्यार देते हो, लाइक करते हो, शेयर किया करो जल्दी जल्दी। मेरे हस्बैंड आ गए हैं, पीहू के डैडी, और अब मैं लगाने जा रही हूँ अपना और पीहू के डैडी का डिनर। तो ये देखिए, यहाँ पे सब्जी का कलर काफ़ी अच्छा आया है और दाल मैं गरम कर रही हूँ, और मैंने इधर रायता भी बना लिया है इनके लिए, थोड़ा सा ही बनाया है बूंदी का रायता, चटनी है और रोटी दाल सब्जी। तो चलिए हम लोग फटाफट से अब अपना डिनर कर लेते हैं, टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं रात के, और चलिए फिर फटाफट से डिनर कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ। फ्रेंड्स ये छोटा सा व्लॉग मैं यहीं पे फिनिश कर देती हूँ, मैं मिलती हूँ आपको कल एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।